बिस्मरम रहीम असल आज मैं आपके लिए मटन मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ ज़बरदस्त रेसिपी है ज़रूर ट्राई करें इसके रमज़ानों में तो चावलों के साथ खाएं या घर की चपाती के साथ रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा सब्सक्राइब कर रेड बटन दबाएँ बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आता है आज अब लेते हैं हम प्रेशर कुकर में आधा किलो बकरे का गोश्त उसके अंदर हमने एक बड़े साइज़ की प्याज काट के डालिए फिर धनिया पाउडर जाएगा इसमें वन टेबल स्पून लहसन अदरक का पेस्ट जाएगा वन टी स्पून नमक जाएगा हाफ टी स्पून क्योंकि आगे की रेसिपी में भी नमक जाएगा हल्दी पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून बस इतने ही मसालों के साथ हम इसको कुक करेंगे बाकी मसाले हम इसकी ग्रेवी में डालेंगे पानी एक गिलास जाएगा थोड़ा सा मिक्स कर लें और उसके बाद हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाना है बीस मिनट तक हमने इसको मीडियम आँच पर कुक करना है ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए बीस मिनट के बाद हमने प्रेशर को खोला है तो देखें गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है ये देखिए गोश गल गया है पता चल जाता है इसी तरह के गल चुका है गोश अब हम आते हैं इसके सेकंड स्टेप पे तो यहाँ हमने दरमियाने साइज़ की प्याज़ ली थी उसको हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद हमने चूल्हे को कर दिया है बंद और अब इसको ठंडा करते हैं और छान लेंगे उसके बाद इसका हम पेस्ट बना लेंगे एक पैन में हमने फाइव टेबल ऑयल लिया फिर उसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है वन टीस्पून स्पून एक मिनट तक करेंगे इसको फ्राई उसके बाद हमने जो बॉईल करी थी प्याज उसका हमने पेस्ट बना लिया था उसको कुक करेंगे इसको इतना फ्राई करना है कि ये अच्छे से गोल्डन हो जाए उसके बाद इसमें मसाले ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून नमक और नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी बाद में ऐड कर सकते हैं हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर वन टीस्पून जो है लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा और वन टीस्पून धनिया पाउडर मिर्चें और नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं अच्छी तरह से भुनाई करेंगे हम इसकी उसके बाद इसमें हमने एक लार्ज टमाटर डाल दिया है उसका भी पेस्ट अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे कि ऑयल अच्छी तरह से सरफेस पे भी आ जाए और मसाला खूब भुन जाए तो आप देख सकते हैं कि मसाला खूब भुन चुका है अच्छी तरह से ऑयल भी अच्छी तरह से अलग हो चुका है अब जो हमने गोश्त और गलाया था और उसकी यखनी के साथ हमने इसमें डाल देना है अच्छी तरह इसको मिक्स करें और बनाई करें फिर उसमें हमने हरा धनिया डाल देना है बारीक कटा हुआ अच्छी तरह मिक्स कर दें और फिर इसको ढक के हमने पाँच मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर बस ये रेडी हो चुकी है अब डिश आउट करते हैं आप तो देखें सरफेस पे ऑयल भी आ चुका है बहुत ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है ज़रूर ट्राई करें आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी झटपट बन जाएगी प्रेशर कुकर में तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी थैंक यू फॉर वॉचिंग दुआओं में याद रखें अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़